Assalamu alaikum students, today we are going to study science of class 5. So let's start. So here it is, unit number 3, plant kingdom, on page number 16. So let's start. Unit number 3, plant kingdom. When we think of plants, we mostly think of vegetables and trees, but there are many other kinds of plants too. Plants are the living thing that can make their own food. We can classify plants into two major groups, for example non-vascular plants and vascular plants. हम जब भी पौधों का सोचते हैं तो हम या सब्जियों का सोचेंगे या फिर पेड़ों का, पर उनके अलावा भी बहुत सारे किस्म के पौधे होते हैं. प्लांट्स जो हैं पौधे जानदार चीज़ें हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. हम पौधों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉन वस्क्यूलर प्लांट्स और वस्क्यूलर प्लांट्स. आए हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. नंबर वन, नॉन वस्क्यूलर प्लांट्स. अ नॉन वस्क्यूलर प्लांट डज नॉट हैव स्पेशल ट्यूब्स टू कैरी वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर. Mosses, liverworts and hornworts are non-vascular plants. These plants grow in places that are damp because they have no vascular tubes. Mosses, liverworts and hornworts do not have true stems, roots or leaves. They do not produce seeds. अब जो non-vascular plants होते हैं उनकी कोई स्पेशल ट्यूब नहीं होती जिससे वो पानी या खाना पहुंचा सकें एक से दूसरे प्लांट तक. ये जो मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स और हॉर्नवॉर्ट्स हैं ये नॉन वस्क्यूलर प्लांट्स हैं. ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. इनके पास वस्क्यूलर ट्यूब्स नहीं होते. मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स और हॉर्नवॉर्ट्स जो हैं इनकी ना शाखें होती हैं ना स्टेम, मतलब जड़ें होती हैं, ना ही पत्ते होते हैं, ना ही ये मतलब बीज अपने प्रोड्यूस करते हैं. मॉसेस, देयर दीज आर टाइनी ग्रीन प्लांट्स. दे हैव लीफी स्टॉक्स एंड राइजोड्स. अ राइजोड इज़ अ रूट लाइक पार्ट. मॉसेस प्रोड्यूस स्पोर्स इन कैप्सूल्स. न्यू मॉस प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज स्पोर्स. अब ये मॉसेस जो हैं वो छोटे से ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं. इनका ये सारे जो हैं पत्तों के बने हुए होते हैं और राइजोड्स के. अब मॉसेस जो हैं वो अपने स्पोर्स जो हैं कैप्सूल्स प्रोड्यूस करते हैं. इन स्पोर्स से जो हैं नए मॉसेस उगते हैं. लिवरवॉर्ट्स, लाइक मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स आर ऑल्सो टाइनी ग्रीन प्लांट्स. दे हैव राइजोड टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. दे ऑल्सो हैव फ्लैट लीव लाइक पार्ट्स. दे प्रोड्यूस स्पोर्स टू कंटिन्यू देयर रेस. अब जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं ये भी मॉसेस की तरह छोटे से ग्रीन कलर के पौधे होते हैं. इनमें राइजोड होता है जो पानी और मिनरल्स जो होते हैं वो हासिल करता है. इनके भी पत्ते होते हैं चिपके हुए से और ये स्पोर्स पैदा करते हैं जिससे वो बढ़ते हैं. Hornworts also resemble liverworts. They have rhizoids too. They have broad and flattened leaf-like parts. The name hornwort is given to them because they have englotted horn-like parts. They produce spores. अब जो hornworts हैं ये भी liverworts की तरह होते हैं. इनमें भी rhizoids होते हैं पर इनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े से होते हैं और फैले हुए होते हैं. हॉर्नवॉर्ट्स नाम इसका इस वजह से है क्योंकि इसके हॉर्न के जैसे जो हैं हिस्से होते हैं और ये भी स्पोर्स पैदा करते हैं. कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स. नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कवर अ वेस्ट एरिया ऑफ लैंड. व्हेन दीज प्लांट्स डाई दे डिकम्पोज एंड मिक्स इन सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. दे रिड्यूस सॉइल इरोशन ड्यू टू रेन. They also provide a habitat for soil animals. Peat mosses are dried and burned as a fuel. अब जो non-vascular plants होते हैं वो एक area जो है land का वो अपने अंदर रख लेते हैं. अब ये जब plants मर जाते हैं तो वो decomposer बन जाते हैं और फिर जो जिस मिट्टी पर वो उगते हैं उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ाते हैं. अब ये जो है सॉइल इरोजन भी जो है कम कर देते हैं और अपने जो मतलब सॉइल एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक अच्छा खासा माहौल भी बना देते हैं.
Number 2, vascular plants. Vascular plants have special tubes to carry water and food from one part of the body to another. These special tubes are called vascular tubes. Trees, bushes, grasses, and plants with vegetables or fruits are all vascular plants. Vascular plants have true roots, stems, and leaves. अब जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो उनके पास एक स्पेशल ट्यूब्स होते हैं जिनसे वो अपने एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पानी और खाना पहुंचाते हैं. इन ट्यूब्स को हम वस्कुलर ट्यूब्स कहते हैं. जैसे कि पेड़ हो गया, झाड़ें हो गई, ग्रास हो गई, या दूसरे वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स होते हैं जिससे उगती हैं, ये सारे वस्कुलर प्लांट्स होते हैं. वस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनके असली और सही में जड़ें, पत्ते और टहनियाँ होती हैं. हाउ डू मटीरियल मूव इन वस्कुलर प्लांट्स. वस्कुलर प्लांट्स हैव ट्यूब्स रनिंग थ्रू द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. दीज ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. द लीव्स मेक फूड शुगर. द फूड देन इज कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब वस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनके ट्यूब्स होते हैं जो उनके जड़ों से लेकर उनके टहनियों तक होते हैं, जो पानी और जो खाना होता है वो एक से दूसरे हिस्से तक पहुंचा देते हैं अपने पत्तों के ज़रिए. अब ये जो पत्ते होते हैं वो खाना बनाते हैं और वो सारे दूसरे प्लांट के हिस्से में पहुंचाते हैं. ये ट्यूब्स जो हैं ब्लू कलर वाले, द ट्यूब्स एंड द स्टेम कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स. ये वाला जो है, ये सारे ट्यूब्स जो हैं वो जड़ों से पूरे पत्तों तक पानी और मिनरल्स वगैरह जो हैं वो पहुंचाते हैं. रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. अब ये जो जड़ें होती हैं ये सारा पानी और नमकीनात जो हैं वो पानी से लेती हैं. वस्कुलर ट्यूब्स मूव द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और ये जो वस्कुलर ट्यूब्स होते हैं ये सारे पत्तों से खाना जो है वो जड़ों तक या दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं. लीव्स मेक फूड. और ये जो पत्ते होते हैं ये खाना बनाते हैं. वस्कुलर प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्न्स, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट. और जो वस्कुलर प्लांट्स हैं ये भी तीन हिस्सों के हैं, तीन हिस्सों में डिवाइडेड हैं. आ जाएं इनके बारे में डीपली पढ़ते हैं. फर्न्स. फर्न्स आर वेस्क्यूलर प्लांट्स. दे हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. दे produce spores. Most ferns are small plants that grow in damp and shady places. अब जो ferns हैं वो भी vascular plants हैं. इनकी जड़ें होती हैं, टहनियाँ होती हैं और शाखें होती हैं, पत्ते भी होते हैं, पर ये जो हैं बीज नहीं उगाते, ये spores उगाते हैं. अब ज़्यादातर जो ferns होते हैं उनके छोटे छोटे से plants होते हैं जो मतलब घनी जगहों पर उगते हैं. Some trees fern grow as turn the page tall as 24 meter. Most ferns have an underground stem called rhizome. New leaves and roots grow from this rhizome. अब जो ferns होते हैं वो 24 meter से भी लंबे बन जाते हैं. अब ज़्यादातर ferns के जो है under root system होता है जिसे हम rhizome कहते हैं. अब जो इनके पत्ते होते हैं या इनकी जो जड़ें होती हैं वो राइजोम से बनती हैं. नंबर 2, कॉनिफर्स. कॉनिफर्स आर वस्कुलर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स, बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन अ कोन. कॉनिफर्स आर आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन बिकॉज देयर लीव्स स्टे ग्रीन ऑल ईयर लॉन्ग. देयर लीव्स आर नीडल लाइक. पाइन, सीडर एंड हेमलॉक ट्रीज आर कॉनिफर्स. अब जो कॉनिफर्स हैं वो भी वस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो बीज उगाते हैं पर इनके फूल नहीं होते. अब ये जो इनके सीड्स उगते हैं ये इनके कोन्स में बनते हैं. कॉनिफर्स हमें सदाबहार भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा साल इनके पत्ते जो हैं वो हरे ही रहते हैं. इनके जो पत्ते होते हैं वो कोन की तरह होते हैं, निडल की तरह होते हैं, तेज़ तेज़. सीडर, पाइन्स और हेमलॉक जो हैं वो कॉनिफर्स चीज़ हैं. नंबर 3, फ्लावरिंग प्लांट. दीज वस्कुलर प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स. फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट. द फ्रूट प्रोटेक्ट्स सीड्स. अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये भी वस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल उगते हैं और
ये बीज जो हैं उनके फूलों में होते हैं, कुछ जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके जो फूल होता है वो फल में चेंज होता है, और वो फल जो है उनके सीड्स को महफूज करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वस्क्यूलर प्लांट्स लाइक नॉन वस्क्यूलर प्लांट्स, वस्क्यूलर प्लांट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जैसे कि नॉन वस्क्यूलर प्लांट्स हमारे लिए अहम थे, वैसे ही वस्क्यूलर प्लांट्स भी हमारे लिए अहम हैं। नंबर वन, फर्न्स हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सम ऑफ देम आर पॉपुलर हाउस प्लांट्स, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड एंड डाइड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो वर चेंज इनटू कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। वी यूज दिस फॉसिल फ्यूल्स टुडे। अब फर्न्स जो हैं वो हमारा सॉइल इरोजन में हेल्प करता है उन्हें कम करने में। अब ज़्यादातर जो हैं उनके हाउस प्लांट्स हैं, जैसे कि फर्न्स हो गया या दूसरे प्लांट्स जो पहले 300 साल पहले जो हमारे रहते थे, जिंदा थे, अब मर गए, उनके जो हैं जो हमारे फॉसिल्स हैं वो कोल, पेट्रोलियम वगैरह हमारी दूसरी चीज़ों में यूज़ होता है। नंबर टू, कॉनिफर्स आर यूज्ड टू गेट वुड फॉर बिल्डिंग मटेरियल। सम कॉनिफर्स प्रोड्यूस अ स्टिकी रेजिन, रेजिन इज़ यूज्ड टू मेक सोप्स, टर्पेंटाइन एंड पेंट्स ईटीसी। अब कॉनिफर्स जो हैं वो घर बनाने के लिए या चीज़ें बनाने के लिए लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ जो हैं वो ग्लू भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे साबुन, टर्पेंटाइन और पेंट वगैरह बनते हैं। नंबर थ्री, फ्लावरिंग प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स। दे गिव अस मटीरियल टू मेक क्लोदिंग, मेडिसिन एंड रबर ईटीसी। सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन पार्क्स एंड लॉन्स। अब जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये इंसान और जानवरों के लिए खाने का ज़रिया है। ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे खाना बनाने में इस्तेमाल आ जाते हैं, और कपड़े बनाने में, मेडिसिंस बनाने में, या फिर रबर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो पार्क्स वगैरह में भी उगाए जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट्स रीडिंग। वी विल सेंड यू इट्स एक्सरसाइज एंड पिक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।